नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का 0% है। मैं उदाहरण एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताऊँ। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टुडे एनी टुडे आई एम जॉइंड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर डोनर जी किशन रेड्डी। वेलकम टू इंडिया टुडे एनी सर। थैंक यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज लाइक डोनर मिनिस्ट्री वाज फॉर्मड 20 इयर्स बैक, हाउ यू सी द अचीवमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट? You can understand, before donor ministry, there is a issue with the Northeast states. If Northeast chief minister comes to meet the prime minister, if you want, or Northeast chief minister want to meet another ministries, you should wait for the 6 days, 7 days, then only they get appointment. Ye sthiti te dilemma. Koi minister so, कोई रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली आए तो कोई मिलते नहीं थे, और मिलने के बाद भी जो भी असिस्टेंस देते थे मिनिस्टर्स, जो भी नॉर्थ ईस्ट का डिमांड रहता था, उस डिमांड को कोई भी जो फॉलोअप नहीं रहते थे। अभी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ने जो एक कोऑर्डिनेशन, एक फॉलोअप और प्रॉपर फीडबैक अगर स्टेट्स लेके सेंट्रल को देना, सेंट्रल से लेके स्टेट को देना, ये काम करने के लिए इस मिनिस्ट्री को शुरुआत किया है। मेरे ख्याल से अभी ठीक ना डोनर मिनिस्ट्री का उपयोग अभी हो रहा है। कारण क्या था, आपको मालूम है, लगभग 30-40 ईयर से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ग्रुप्स के कारण, लैंडर के समस्या के कारण जो विकास होना था विकास नहीं हुआ है। इसलिए जो कंपेयर टू द अदर कंट्री, जो स्टेट्स है देश में, जो अलग अलग प्रांत है, वो प्रांत देखे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थोड़ा पीछे है इन ऑल एंगल्स, स्पेशली कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण भी नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज डोनर मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद कोऑर्डिनेशन के कारण आज कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लास्ट 8 ईयर्स वी स्पेंडिंग राउंड अबाउट 150,000 crores वैसा ही रेल कनेक्टिविटी 60,000 crores वी आर स्पेंडिंग ऑलरेडी। पहले एक ही गवर्नमेंट में एक ही कनेक्टिविटी था स्टेट कैपिटल को, अभी 3 स्टेट कैपिटल को कनेक्टिविटी हो गई। 2023-2024 के अंदर पूरा स्टेट्स का रेल कनेक्टिविटी पूरा होगा। इस समय भी 122 टनल का काम चल रहा है। इस समय भी 3 shift 24 hours रोड टनल वर्क्स का, रेलवे का चल रहा है। 122 टनल्स हम बना रहे, एक टनल तो 34 kilometers का टनल है। ऐसा भारत सरकार कनेक्टिविटी के बारे में, अभी नया एयरपोर्ट्स बना रहे, नया एलपैड्स बना रहे, अभी नेशनल एक ही रोडवेज है नेशनल वे, अभी 18 नेशनल रोडवेज का काम नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया है। वो पोर्ट्स भी डेवलप कर रहे, जो अम्यूनिटीज पोर्ट्स पे डेवलप करना उस पर भी ध्यान दे रहे, और नए नए यूनिवर्सिटीज खोले, हॉस्पिटल्स खोल रहे, अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में खोले हैं। हर महीने डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी मिनिस्टर्स है भारत सरकार के, सभी मिनिस्टर एक एक स्टेट में मिनिमम 2-3-4 मिनिस्टर्स आना चाहिए, वो प्रयास करके हर स्टेट को मिनिस्टर्स लगातार मॉनिटरिंग करके मिनिस्टर्स भेज रहे। मिनिस्टर्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होगा, ऑफिशियल के साथ मीटिंग होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम इम्प्लीमेंटेशन जो एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखेंगे। जब स्कीम के बारे में बोलते हैं तो दोनों मिनिस्ट्री के पास प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स आर वेरी गुड, बट हाउएवर इट इज चैलेंजिंग टू टच द ग्राउंड। क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो और कैसे आप उभर रहे हो उसमें? ये सही है आपका पास, 100% सही है। इधर लैंड का समस्या है, इधर फॉरेस्ट का समस्या है, कोई रोड ले जाना है तो फॉरेस्ट के अंदर ले जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत क्लियरेंसेस होते हैं,
कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे बनाना है तो नेशनल फॉरेस्ट ही जाना पड़ता है, रोड वैसे ही ट्रेन का भी। उसके साथ साथ जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग रहती है, नॉर्थ ईस्ट का एग्रीकल्चर सिचुएशन अलग रहती है, इधर फार्मर्स का सिचुएशन अलग है, क्योंकि इधर ओनली 25% लैंड कल्टिवेट हो सकता है, 75% लैंड फॉरेस्ट है। देश का उत्तर प्रदेश का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, मगर नॉर्थ ईस्ट का भी अलग होगा। इसके लिए इसके गाइडलाइंस चेंज करना पड़ेगा। कुछ जगह पूरा लैंड इंडिविजुअल नहीं है, कम्युनिटी के ऊपर रहते हैं, कुछ लैंड सरकार के ऊपर है, लैंड इश्यूज का भी है। एक लैंड पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक सिस्टम नहीं है, देश का एक सिस्टम है। 8 स्टेट्स में से कौन सा स्टेट ज्यादा टफ है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट? मैं उदाहरण एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताता हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जितने पैसे हम एलोकेट करते हैं, ज्यादा पैसा वापस चले जाते हैं, कारण इधर खर्च नहीं होते। लगभग ओनली वी आर स्पेंडिंग 40% ऑफ फंड्स, एलोकेशन फंड्स, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 1 लाख रुपए बजट अगर कोई सैंक्शन हुआ, उसमें 10% कंपलसरी नॉर्थ ईस्ट में खर्च करना, हर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट उधर नहीं, पूरा डिपार्टमेंट 10% ग्रास बजटरी स्कीम के अंदर नॉर्थ ईस्ट में खर्च करना चाहिए। वो पैसे पूरा खर्च नहीं हो रहे, वापस जा रहे। ये नॉन यूटिलाइजेशन आप जो बोल रहे हो, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है कैसे क्यों हो रहा है और ये कैसे सॉल्व हो सकता है? एक दो विषय है उसमें। स्टेट गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का, और जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करना पड़ेगा। ऑप्टिमिज्म कैसा यूज हो, इस विषय पर भारत सरकार वो मिलकर चर्चा करना है। वही अभी मीटिंग में आज भी वही चर्चा किया है। अभी इसके अंतर्गत एक कम एग्रीकल्चर का टास्क फोर्स जो 8 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट का है, उसका एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज, हमारा डोनर सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री का एक ये 10-12 लोग मिलके एक टास्क फोर्स बनाए, क्या गाइडलाइंस चेंज करना चाहिए, कौन सा स्कीम्स इधर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, इधर के लिए क्या स्कीम्स हो सकता है, इसका एग्रीकल्चर का 10% GBS में नॉर्थ ईस्ट के बारे में अलग ऐसा स्कीम कुछ हो सकता है, इसी विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल के अंदर पूरा स्ट्रीमलाइन होगा। आप दोनों मिनिस्ट्री के साथ टूरिज्म मिनिस्टर भी हो, नॉर्थ ईस्ट ही हैज अ ह्यूज पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू द एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म, इसको लेके आपका क्या प्लान है? नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का 0% है। मैं फिर वापस जाता हूँ आपको, कारण क्या है, कारण इधर एक पीस नहीं रहती, शांति नहीं रहने के कारण कोई भी इन्वेस्टमेंटर्स नहीं आए, कोई टूरिस्ट भी नहीं आते थे, क्योंकि रोड एक एक महीना मणिपुर में कभी कभी रोड खोलता था, पूरा समय बंद रहता था, कभी कभी खोलता था, दूसरा जगह कभी कभी बंद होते हैं पूरा समय खोलते हैं, फिर मणिपुर में उल्टा था। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में एक माहौल था देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ठीक नहीं रहते, नॉर्थ ईस्ट में रोड नहीं रहते, नॉर्थ ईस्ट में बस नहीं रहते, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन नहीं रहते, टैक्सी नहीं मिलता है और कोई फैसिलिटीज नहीं रहते, जंगल में जाने के बाद कोई पानी भी नहीं मिलता, ऐसा एक माहौल देश भर में गलत फहमी था। अभी वो दूर करने के लिए हम प्रयास करें, भारत सरकार के द्वारा नया इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी टूरिज्म एंकरेजमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में 100 रोड साइड व्यू पॉइंट्स बना रहे हैं, हम व्यू पॉइंट्स वो भी सेटेलाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिधर जो भी अभी मैं लास्ट 6 मंथ्स पहले मैं आसाम टू शिलांग में रोड पे गए, मैं देख रहा था इधर से उधर जाए तक कोई महिलाओं के लिए टॉयलेट है क्या, जो गाड़ी में जाते, एक भी ऐसा दिखा नहीं मेरा, इसलिए व्यू पॉइंट्स हम बना रहे। वो दिन मैं तय किया हूँ कुछ करना है, वो सोच के अगर रोड साइड व्यू पॉइंट बने, कैंटीन रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा, एक छोटा किचन रहेगा, ऊपर में सेल्फी लेने के लिए रहेगा, बरसात में भी बैठ सकते हैं, ऐसा ग्लास रूम बनाने वाले, ऐसा व्यू पॉइंट्स 100 व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए प्लान किया है। ऐसे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए लाने वाले प्रयास करें। जितने भी इधर फेस्टिवल्स होते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं,
उसका ब्रांडिंग करने के लिए प्रयास करें, पब्लिसिटी करने के लिए प्रयास करें हम। उसका पूरा फेस्टिवल का एक ऐप तैयार किया है भारत सरकार टूरिज्म का, उस ऐप के द्वारा जितने भी नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है दुनिया भर में हम प्रमोट करने के लिए प्रयास करें। अलग अलग कार्यक्रम शुरुआत किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।